तुम्हारे जैसे को कंफर्टेबल करने के लिए नाम दिया है रबर बैंड। अभी ने बताया था ना, रबर बैंड सेफ होता है, प्रोटेक्शन होता है, कभी फटता नहीं है। तुमने रबर बैंड पे भरोसा किया, हमने तुम पे भरोसा किया, कट गया ना दोनों का। अरे और कितना फाड़ोगे, रोज का तुम्हारा यही नाटक है। फट गई ना, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो इस थैली की है, जिसकी किस्मत से गलती से तुम है, इसलिए गलती से इसको फटना पड़ा। भैया एक बात बताओ, इसके अलावा और कुछ बेचते हो आप? बस रबर बैंड ही बेचते हो? साला हंस इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभी इसका महत्व नहीं आया। उधार पर सामान देते हो? हाँ ना। हाँ या ना? हाँ। उधार में मुझे उनका दिल मिल सकता है क्या? मेरे शादी भी खत्म हो गई, अब बहुत जल्द अपने नाती नातिन के साथ खेलेंगे बस। जल्दी जल्दी हमें एक लल्ला भी दे दे प्यारा सा। देखो मैं पहले ही कह रही थी, इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे परिवार वालों की प्रॉब्लम क्या है, जिसे देखो जब देखो लल्ला चाहिए लल्ला चाहिए। अपना रबर बैंड बेचता है, उसमें कोई खोट हो, अरे पूरे मोहल्ले को चिपकाता फिरता है, तुम्हें भी चिपका दिया होगा। ठान लिया है, उस कंडम कंपनी पे केस ठोकेंगे। और ये तो कोई केस ही नहीं बनता, इसमें कोई गवाह भी नहीं। अरे गवाह है ना, इसमें गवाह भी है। हाँ, किसके सामने सेक्स किया? आज का मामला क्या है? जी जनाब, हमारे क्लाइंट का कंडोम फटा है। योर सो कॉल्ड रबर बैंड से आपने कितनी बार किया था? 27 बार। 28। मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये काफी है जो मेके जा रही है। When this incident happened? रात में हुआ। क्या हुआ था रात को, आप जरा विस्तार से बताएंगे? ये क्या बकर चल रहा है? साफ साफ सच्चाई यही है कि भसड़ जो है इस कंडम कंपनी की वजह से हुआ है। बहुत बड़ा कंपनी है वो शराब की कंपनी थी ना, वो कितनी बड़ी कंपनी थी, जिसका मालिक माल लिया और भाग लिया, उसकी विजय हुई नहीं ना, देश छोड़ के भागना पड़ा उसे हमारा।